नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना का बड़ा ऐलान, जहां दोस्तों महाराष्ट्र में बिना शिवसेना के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, इसको लेकर ही यहां पर शिवसेना अब यहां पर सत्ता हथियाने की फिराक में है। जहां दोस्तों कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कहना काफी मुश्किल है। अब तक यहां पर अगर बात करें तो जो सूत्रों के अनुसार जानकारी, उसके अनुसार कांग्रेस भी महाराष्ट्र में बना सकती है सरकार। अगर बीजेपी यहां पर शिवसेना की जो शर्त है उसको नहीं मानती है तो कुछ भी संभव है, क्योंकि शिवसेना की यहाँ पर अपना यहाँ पर मत है कि उन्हें 2.5 साल के लिए सीएम पद और बराबर के यहाँ पर कैबिनेट मंत्री दिए जाएं, तब जाकर बीजेपी के साथ शिवसेना सरकार बना पाएगी। तो फडणवीस सरकार के लिए अब जो यहाँ पर सीएम पद है उसकी राह मुश्किल होने जा रही है। लेकिन जो जानकारी है कि कांग्रेस भी अब यहाँ पर उम्मीद है कि सत्ता में वापसी कर सकती है महाराष्ट्र के अंदर। अगर आपको नतीजे दिखाएं तो बीजेपी यहाँ पर 103 और यहाँ पर शिवसेना 56 और यहाँ पर कांग्रेस की बात करें 44, एनसीपी की बात करें 54। तो अगर यहाँ पर गठबंधन देखें तो बीजेपी 159 सीटें, कांग्रेस की अगर बात करें तो 105, अन्य के खाते में 24। अगर बीजेपी चाहे तो यहाँ पर अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाए तो आंकड़ा जो बहुमत का है वो 146 है, उससे पीछे रहती है। और अगर बात करें तो अन्य जो दल है वो कट्टर विपक्षी है, वो कभी बीजेपी का साथ देने वाले नहीं है। ऐसे में उम्मीद फिर ये बनती है कि कांग्रेस या शिवसेना को मिलाकर सरकार बनाएगी, या शिवसेना यहां पर एनसीपी कांग्रेस का साथ लेकर सरकार सीएम पद यहां पर मांग रही है शिवसेना। अगर पसंद की बात है देवेंद्र फडणवीस, 35% लोग मानते हैं कि वो एक अच्छे यहां पर सीएम है। शरद पवार 7 और उद्धव ठाकरे 5%, क्योंकि उद्धव ठाकरे के जो सुपुत्र हैं वो आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। और यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र की या अन्य जो मुंबई शहर है वहाँ पर आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर पोस्टर भी लग चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के सामने अब बड़ी चुनौती सामने आ चुकी है, क्योंकि शिवसेना की मदद के बिना वो सरकार बना नहीं पाएंगी, ये तय है। और इसी का फायदा अब शिवसेना यहाँ पर उठा रही है। और अगर बात करें तो मंत्री पद के लिए बराबरी के मंत्री पद यहाँ पर मांग रही है, और इसके साथ सीएम पद 2.5 साल के लिए यहाँ पर सीएम पद की मांग यहाँ पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो प्रमुख हैं उनका ऐसा कहना है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है, ये कहना काफी मुश्किल है। आने वाले समय में इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर उद्धव ठाकरे 2.5 साल के लिए यहाँ पर सीएम पद और बराबर के यहाँ पर मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, ऐसी सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई है। फिर भी आपकी क्या राय, क्या महाराष्ट्र के अंदर किसकी बनेगी सरकार, क्या बीजेपी के जो यहाँ पर फडणवीस हैं उनकी ही यहाँ पर सीएम पद होगा, क्या यहाँ पर रिट्टी सीएम पर ही यहाँ पर सहमति बन जाएगी, या अन्य जो भी है, तो उसकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।